एक भारत श्रेष्ठ भारत के संक में आपका स्वागत है। यहाँ राम भी बसता है, यहाँ रहमान भी बसता है। ये वो सरजमी है जहाँ हर एक के दिल में हिंदुस्तान बसता है। आज कुछ ऐसा ही मौका है जब पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के युवा अपनी पूरी ऊर्जा लेकर एक विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए हैं। वो उद्देश्य है पूरी दुनिया में भारत को स्वाभिमान के साथ आगे रखने का, और लोक कला, लोक संस्कृति, लोक भावनाएं ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है हर एक के जीवन में। अपने अपने क्षेत्र की पहचान बतलाना और अन्य क्षेत्रों की पहचान को तहे दिल से स्वीकार करना, और इसके साथ ही एक ऐसा चित्र पेश करना पूरी दुनिया के सामने जहां सही मायने में कहा जा सके कि विविधता में, अनेकता में यदि एकता किसी जमीन पर है तो वह हिंदुस्तान में है। तो आइए हम देखते हैं किन किन राष्ट्रों से होकर नेहरू युवा केंद्र का यह शिविर गुजरता है और अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचता है। हमारे देश की ताकत उसकी विविधता और अनेकता है। विविधता में ही एक रूपता छिपी है। इस विविधता और अनेकता में ही एकता की झलक मिलती है। देश की इसी खूबी का परिचय हाल में मध्य प्रदेश के देवास में संपन्न एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में हुआ, जैसे लघु भारत ही हमारे सामने आ गया हो। नेहरू युवा केंद्र के इस 5 दिवसीय आयोजन में देश के भिन्न भिन्न भागों से आए युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को प्रस्तुत किया। बौद्धिक सत्रों में प्रासंगिक विषयों पर चिंतन मनन किया। विभिन्न विषयों पर युवाओं ने विद्वानों और विभिन्न क्षेत्रों के जाने माने व्यक्तित्वों के अनुभवों को सुना और एक दूसरे के विचारों को जाना। प्रदेश के लोक निर्माण और पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी बौद्धिक सत्र में सम्मिलित हुए और उन्होंने युवाओं को मार्गदर्शन दिया। साथियों, ये शिविर मात्र औपचारिकता नहीं है। नेहरू युवा केंद्र की स्थापना बड़े पवित्र उद्देश्यों के लिए की हुई। नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से संस्कार, चरित्र और राष्ट्रीय भावनाएं, इस राष्ट्र के प्रति समर्पण, ये सारी बातें इस नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से हमें सौगात के रूप में मिलते हैं। 12 राज्यों के जब हमारे युवा यहां एकत्रित होते हैं तब उनके विचारों का आदान प्रदान, अपनी संस्कृति का आदान प्रदान एक नई परिभाषा लिखता है। देवास जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी शीतला पटले ने भी युवाओं से जुड़े रोजगार जैसे ज्वलंत विषयों को उठाया। इंडिया का सबसे बड़ा डेफिनेशन होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। हम लोग बहुत डाइवर्स हैं, बहुत हेटरोजीनियस हैं। आप लोग इतने यहाँ पे 12 स्टेट से लोग आ रखे हैं। हम लोग के रंग अलग है, रूप अलग है, रेसेस, इवन रेसेस अलग हो जाती है ना। हमारी हिस्ट्री भी अलग हो जाती है, जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, साउथ का हिस्ट्री थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वेस्ट का हिस्ट्री डिफरेंट हो जाता है। रिलीजन ऑब्वियसली वी आर हैविंग टू मेनी ऑफ देम, लैंग्वेजेस वी आर हैविंग टू मेनी ऑफ देम। तो हेटरोजीनियस होना ग्रेट है बिकॉज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम उस हेटरोजीनिटी में यूनिटी को फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है। और आई थिंक उसी चीज में जो है अपने नेहरू युवा केंद्र का बहुत महत्व है, क्योंकि देश को, समाज को आगे कौन लेके जाएगा? युवा ही लेके जाएंगे, राइट? सो दैट इज व्हाट वी आर सीइंग एवरीडे। एंड मुझे ये लगता है कि ये जो प्रोग्राम है आपका नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम, जिसमें 13 स्टेट से हम लोगों के बच्चे आए हैं,
वो आप लोग का डिस्कोर्स रहेगा, आप लोग अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करोगे, बहुत प्राइड के साथ उसको प्रेजेंट करिए और बहुत प्राइड के साथ दूसरे सामने वाले के प्रेजेंटेशन को देखिए, इंजॉय करिए. दैट विल बी द ओनली रिक्वेस्ट आई विल बी हैविंग फ्रॉम यू, बिकॉज एज यंगस्टर्स, एज दोज पीपल जो आगे अपने देश को आगे लेके जाएंगे, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बन के रहें. इस राष्ट्रीय एकता शिविर में देश के 13 राज्यों के 350 युवाओं ने शिरकत की. सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की थीम पर केंद्रित राष्ट्रीय समागम में युवा एक दूसरे से जुड़े, समाज और देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने को लेकर चर्चा की. ये हम लोग जो कर रहे हैं पूरा टीम वर्क के थ्रू कर रहे हैं, ताकि हम लोग मतलब जितने भी टीम मेंबर हैं, कौन कौन सी चीज को बहुत बेहतर तरीके से संभाल सकता है, उस हिसाब से हमने सबको अलग अलग वर्क बांटा, ताकि हमारे यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, जितने भी स्टेट से, वो लोग यहाँ से बहुत अच्छे से खुश होकर जाए. एक तरीके से हमको बहुत अच्छा यहाँ मौका मिला है कि हम लोग सभी जितने भी स्टेट के लोग हैं, उन सभी से यहाँ मिल पाए, उनकी संस्कृति से और उनके यहाँ के जो लोकगीत है, लोक गायन है, उन सब से परिचित होने का हमें बहुत अच्छा मौका मिला है. ये जो ड्रेस आपने पहनी है, गुजराती, टिपिकल गुजराती ड्रेस है, इसको कहते क्या है? चनिया चोली. चनिया चोली, जी हाँ. तो ये कब कब पहनी जाती है? मोस्टली नवरात्रि में पहनी जाती है, सब गरबे के टाइम पे. धातु, इसको धातु कहते हैं जो ये सामने लगाया है. तो चलिए, ये धातु अलग अलग तरह के होते हैं अलग अलग जगहों पे या एक ही तरह के होते हैं? मतलब कलर्स में डिफरेंस हो सकता है, पर ये पहनते सेम ही है. इसको सर का ताज माना जाता है. बड़े बुजुर्गों के सामने हम लोग बिना सर ढके हुए नहीं जाते हैं, ये उनके रिस्पेक्ट में हम लोग यूज करते हैं इसे, और ये हमारा ट्रेडिशन है और सदियों से चला आ रहा है. आज भी ये टोपी भी हमारे सर का ताज है. बुशहर के राजा होते थे पद्मदेव, वो भी इस टोपी को पहनते थे. तब से लेकर मतलब सभी लोग वहाँ पे टोपी पहनते हैं. कोई हमारे फंक्शन होता है, बड़े बुजुर्ग सभी लोग जब माला लगाते हैं तो वो लोग टोपी पहन के, मतलब इसको शान मानते हैं कि टोपी पहन के डांस करना बड़े बुजुर्गों का आदर समझा जाता है इसे. गौरव, टोपी अलग अलग पूरे हिमाचल में एक जैसी पहनी जाती है, इसमें भी कुछ अलग अलग बातें सामने आती है? सर इसमें पहले डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं. कुछ टोपियां हरी होती है, कुछ लाल होती है, कुछ सफेद भी होती है, कुछ काली भी होती है, कुछ अलग तरह की मल्टी कलर्स की भी होती है. तो जो हमारी टोपी का जो सबसे मेन मोटिव था, 1800 ईस्वी से शुरू हुआ है. तो जब हमारे बूढ़े बुजुर्ग हुआ करते थे, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, तो उस टाइम धान की खेती, गेहूं की खेती हुआ करती थी. तो उस टाइम पे तोलने के लिए ये चीज इम्पॉर्टेंट वहाँ पे यूज होती थी. इससे तोल के इसको, इसमें 1 kg या कुछ भी हाफ के जी तोल के वो लोग देते थे, क्योंकि इसको बनाना आसान होता था. तो 2003 के बाद कुछ ऐसा ट्रेडिशन आया, हमारे पहाड़ी गीत आने शुरू हुए, तो हमारी ये टोपी इतनी प्रसिद्ध होगी, इतनी ज्यादा प्रसिद्ध होगी कि ये हर जगह पे, हर स्टेट पे, हर एरिया पे और पूरे इंडिया में जाननी पहचाननी शुरू होगी. जैसे कि गुजरात के लोग बहुत मौजीले होते हैं, वहाँ का खाना टेस्टफुल होता है, रंगीले लोग होते हैं और जो बहुत एंजॉयफुली अपनी लाइफ जीते हैं. तो मौज, रंग और हमारे खाने पीने के टेस्ट के साथ हम लोग अपने लाइफ एंजॉय करते हैं. शिविर के दौरान युवाओं ने चित्रकारी आदि अपनी कलाओं से भी यही प्रदर्शित किया. किसी ने भारत का चित्र बनाकर, तो किसी ने कविता और गीत के माध्यम से देश की एकता का संदेश दिया. विश्व बैंक की नीति देखो, दुनिया की तकदीर ये देखो. विश्व बैंक की नीति देखो, दुनिया की तकदीर ये देखो. जिनके पास है पैसा भैया पढ़े देहरादून, जिनके पास है पैसा भैया पढ़े देहरादून. ओबा की भैंस चरावे हो, ओबा की भैंस चरावे हो, ओबा की भैंस चरावे हो. जगीरा सारा रा 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 रा. जगीरा सारा रा रा हो, जगीरा सारा रा रा हो, जगीरा सारा रा हो, जगीरा सारा रा रा. नेता अफसर और माफिया सबका एक सिवाला, नेता अफसर और माफिया सबका एक सिवाला, और नेता अफसर और माफिया सबका एक सिवाला.
नेता अफसर और माफिया सबका एक सिवाला। अब कौन है किसका बहनो यार, कौन है किसका साला, बोलो किधर बराती जाए, अब बोलो किधर बराती जाए, अब बोलो किधर बराती जाए। घड़ी अरे तुम्हारी तनिक सुधारी ले तू ना, वो सुधारी ले तू ना, वो तनिक सुधारी ले तू ना, ओ भैया बिगड़ी आदत तुम्हारी तनिक सुधारी ले तू ना। शिविर के तीसरे दिन बौद्धिक सत्र में संस्कृति की गहराई और साहित्य की ऊंचाई का समागम हुआ। लोक संस्कृति के मर्मज्ञ भोपाल से पहुंचे श्री बसंत निर्गुणे ने लोक संस्कृति और कला के इतिहास से युवाओं को रूबरू कराया। ईश्वर है या भगवान है या महादेव है, जनजाति महादेव को मानती है, उनके सबसे बड़े देवता महादेव। और ये मैं बताना चाहूंगा कि महादेव प्रारंभ में आदिवासियों के ही देवता थे, और लोक देवता कब बने, जब उनका विवाह पार्वती से होता है। उसके पहले की घटना देखिए आप, एक कथा है, सती दक्ष प्रजापति की लड़की होती है, सती उसका नाम होता है, महादेव से उसका विवाह होता है, तब महादेव आदिवासियों के देवता थे। और ये बात जो है दक्ष प्रजापति को ठीक नहीं लगी कि मेरी लड़की किसी आदिवासी देवता से शादी करे, इसलिए उन्होंने अपने एक यज्ञ में महादेव को आमंत्रित नहीं किया। जब उनको आमंत्रित नहीं किया तो सती को भी आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन सती अपनी जिद पे अड़ गई, महादेव से कहने लगी कि मुझे जाना है मेरे पिता का, कि यहां इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, मैं क्यों नहीं जाऊंगी। महादेव ने कहा, सती तुम जिद तो कर रही हो लेकिन पछताओगी, हमें आमंत्रित नहीं किया है, हमें कुछ अलग समझा गया है, इसलिए हमें आमंत्रित नहीं किया गया। सती वहां जाती है, उसकी बहुत उपेक्षा होती है, कोई सम्मान नहीं करता, और इतनी उपेक्षित हो जाती है कि वो जो यज्ञ हो रहा था यज्ञ कुंड में जाकर के कूद पड़ती है आत्मग्लानि से, कि मेरे पिता मुझसे नहीं बोल रहे हैं, मेरी माँ ने मुझे सम्मानित नहीं किया, मेरा भाई ने मुंह फेर लिया। वो इतनी ग्लानि में भर जाती है, वो यज्ञ कुंड में कूद पड़ती है और चल जाती है। ये बात महादेव को पता लगती है तो महादेव क्रोधित होकर के आते हैं और सती के शव को अपनी गोद में, चलते हुए जली हुई सती को अपनी गोद में उठाते हैं, और इतने विक्षिप्त हो जाते हैं महादेव कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाने लगते हैं। तो ऐसा कहते हैं मित्रों, जहां जहां सती के अंग जलते हुए अंग गिरे, महादेव घूम रहे हैं पागल की तरह विक्षिप्त से, और उनका गोद में सती का शव है और उसके अंग जो हैं जगह जगह गिर रहे हैं, और जिस जगह उनका अंग गिरा कहते हैं कि ऐसे 24 शक्तिपीठ बन गए। तो कहने का मतलब ये था, इसमें अंतर विरोध क्या है, मेरा सोचना ऐसा है कि महादेव जो है उस समय आदिवासी देवता थे, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा लोक देवताओं में नहीं थी, दक्ष प्रजापति इसको मानते नहीं थे कि महादेव कोई देवता है। लेकिन उसके बाद में सती पुनः जन्म लेती है पार्वती के रूप में और फिर से महादेव को प्राप्त करती है, तब जो है पार्वती के कारण महादेव को लोक देवता में शरीक किया गया, तब वो शिव कहलाए, है ना, शिव वहां से बने, ये तो इसके पहले उनका नाम रुद्र था, 12 रुद्र हुए हैं हमारे यहां,
शिव के रूप है, इतना समय निकल गया होगा आदिवासियों के बीच में पूरा। तो ये एक कथा जो है आपको आदिवासी संस्कृति और लोक संस्कृति का जहाँ से विभाजन शुरू हुआ ये बताती है। इसको हमने समझा है, हमें समझने की जरूरत। मैं सोचता हूँ कि जनजातियों का जब कोई धर्म नहीं होता, उनके कोई देवताओं का आकार प्रकार नहीं होता, तो उसमें अवतारों की भी कल्पना नहीं होगा। हमारे यहाँ दशा अवतार की कल्पना हमने कर ली बाद में, ये सब बाद की घटना है, लेकिन उनमें अवतार नहीं है, उनमें कोई अवतार नहीं है। हमने दशा अवतार तो गढ़ा है बाद में, वेदकालीन वेद के बाद में पुराण काल में इसकी रचना को हुई। तो इस तरह से दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जनजाति लोग कभी समय में नहीं रहते, हम लोग नित्य वर्तमान में रहते हैं, वे लोग तीनों कालों में एक साथ रहते हैं, इसलिए बहुत सुखी हैं। वहीं कवि चौधरी मदन मोहन समर ने अपनी कविताओं से युवाओं में जबरदस्त जोश भर दिया। उन्होंने देशभक्ति और बेटियों पर केंद्रित रचनाएं प्रस्तुत की। हम रहे हजारों साल खड़े, जब दौर चला तूफानों का, तब विचलित कैसे कर देगा कोई झुंड में बेईमानों का। हम संत तोड़कर अंत करेंगे उन जहरीले नागों का, दहशत में डाल दिया जिन्होंने उत्सव मल्हारी जागों का। हर कठिन से हमने युद्ध किया, हर एक असंभव जीता है, सूरज के भाषा भाषी हम आचार संहिता गीता है, कर्म में विश्वास करते हैं। तो हौसले हमारे जो हैं वो कभी पस्त नहीं होते। फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं, दुश्मन का दर्द यही तो है, हम हर हमले पर संभले हैं। और आप तो युवा हो साहब, इस देश की तरुणाई, हम लोग तो क्या पीले पत्ते हैं। कुछ दिन बाद अपनी शाखाओं से टूट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, चले जाएंगे। आने वाला वक्त 40 साल 50 साल तक का, आधी सदी कम से कम, हिंदुस्तान को दिशा और दशा देने के लिए आप लोगों को तैयार होना है। शिमला का शीतल मन जागे, केरल की मलय पवन जागे, घनघोर घटा मेघालय की मरथल की दग्ध तपन जाग, गोवा की गरिमा जाग उठे, केदारनाथ गढ़वाल जगे, सिक्किम का साहस जाग उठे, शिलांग जगे इम्फाल जगे, शिलांग जगे इम्फाल जगे, जग उठे मिजोरम नागालैंड संग दमन दीव खम ठोक जगे। कविता में नहीं सुना होगा, दमन दीव मेरी कविता में है, मेरी कविता में दमनदीप है, दमनदीप वाले जोर से ताली बजाएंगे। जब उठे मिजोरम नागालैंड संग दमन दीव खम ठोक बजे, तू रबिया असमत डाग उठे, कचकेरन से गंगटोक जग, अब मारवाड़ मेवाड़ जगे, मेवात जगे खम्बात जगे, जग उठे निमाणी अपना विंध्या का हर जजबात जगे, जागे विदर्भ संग ले जगे, जग तेलंगाना मुस्काए, तेलंगाना जग उठे तेलंगाना जग तेलंगाना मुस्काए, जग तेलंगाना मुस्काए, जग उठे हड़ोती दंडक उन जय गान, तराई मिलगा स्वराज जगे महाराज जगे, स्वराज जगे महाराज जगे, कोकर का कड़कड़ जाग उठे, और लिए आरती हाथों में हर रोज पोखरण जाग उठे, और लिए आरती आसों में हर रोज पोखरण जाग उठे, अब लक्षदीप के दीप जगे, अब लक्षदीप के दीप जगे, काले पानी का इतिहास जगे, उनकी लहरों पर लिखा गया बलिदानों का इतिहास जगे, अब जागे जलवा चंडीगढ़ का पंडिचेरी जाग उठे, जय भारत जय हिंद बोलती हर रणभेरी जाग उठे, मालव की मीठी राज जगे, बुंदेली हर बोले जाग उठे, जय घोष लगे छत्तीसगढ़ जागे, सब बड़े पढ़े जाग उठे,
जय घोष लगा छत्तीसगढ़ जागे, सब बड़े मजोले जाग उठे। अब जगे वेदना होएगी, पाए का हर उल्लास जगे, हम सिंध गवाए बैठे हैं, बच्चे बच्चे में एहसास जगे, हम सिंध गवाए बैठे हैं, बच्चे बच्चे में एहसास जगे, संकल्प कलिंग का जाग उठे, उत्कल का उत्कर्ष जगे, विस्मय हो देखेगी दुनिया जब पूरा भारत वर्ष जगे। शिविर में युवाओं ने केवल विचार मंथन ही नहीं किया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि केवल विचार करने से ही नहीं, बल्कि विचारों को आचरण में लाकर ही बदलाव किया जा सकता है। स्वच्छता का संदेश देते हुए युवाओं ने पॉलिथिन थैलियों और कचरे को बीना और सफाई की, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने पर जोर दिया। इसमें आज हमने शहर के जहाँ सबसे ज्यादा प्लास्टिक थे, हमने उस जगह की सफाई की और प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हम उसके लिए पूर्ण तरह से नेहरू युवा केंद्र देवास भी तैयार, और उस पर जो प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का अभियान चलाया जा रहा है, बड़े दिलों से यहाँ पे 13 राज्यों की टीमें जो आई हुई है वो शहर के कोने कोने से प्लास्टिक मुक्त देवास बनाना और भारत बनाना, इस पर मैं अपनी एक दो पंक्तियों के साथ कहना चाहूंगा कि स्वच्छ भारत का सपना मिलकर हमें सजाना है, स्वच्छ भारत का सपना मिलकर हमें सजाना है, अपने भारत को हमको स्वच्छ भारत बनाना है। जाग उठी है किस्मत, हो रहा सवेरा है, जाग उठी है किस्मत, हो रहा सवेरा है, प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, हो रहा अंत मानव तेरा है, किसी और का नहीं ये दोष तेरा है, किसी और का नहीं ये दोष तेरा है, जिसने दिया प्रदूषण को डेरा है, वैज्ञानिक पद्धति ने छू लिया आसमान, वैज्ञानिक पद्धति ने छू लिया आसमान, इसीलिए प्रदूषित हो रहा जहाज, ये प्लास्टिक, ये सफाई, ये पर्यावरण, ये सभी गंदगी हमें किस ओर ले जा रही है, एक उज्जवल भविष्य की ओर नहीं। भारत की लोक संस्कृति की झलक यहाँ दिखाई दी, लोक नाट्य, लोक गीत और लोक नृत्य के द्वारा युवाओं के दलों ने अपने अपने क्षेत्रों की बेहतरीन प्रस्तुति दी। हार्दिक स्वागत, लीजिए अगले पायदान पर। कुछ समय के पश्चात महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग प्रांतों से आए हुए सभी कलाकारों का अभिनय, नुक्कड़ नाटक, डांस और अपनी कलाओं का प्रदर्शन कुछ ही क्षणों के पश्चात आप लोग देखेंगे। गाड़ी में मोटर गाड़ी हमरे लोगन के सकिल जुलुम्बा आयो रे नन्हा बीरा चोरी आयो रे पागल आयो रे दूसरे प्रदेशों से आने वाले युवाओं को असुविधा ना हो और वे इस शिविर का पूरा आनंद उठा सकें, इसके लिए नेहरू युवा केंद्र के स्थानीय आयोजकों ने मिलजुल कर प्रयास किया और आयोजन को सफल बनाया।
इस वक्त हमारे साथ हैं नेहरू युवा केंद्र देवास के समन्वयक श्री अरविंद श्रीधर साहब। अरविंद श्रीधर साहब और उनकी टीम ने देवास में ये पूरा जो 250 से ज्यादा, जैसा कि आपने बतलाया, युवा आए हैं, उनका रहने का इंतजाम और किस तरह से वो अपने काम को सही तरह से अंजाम दे सकें, इन सब चीजों के लिए शिद्दत से काम किया है। आइए हम जानते हैं श्री अरविंद श्रीधर साहब से कि आखिर ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं वो किस तरह से आयोजित किया गया है और कैसे आप इन सब चीजों को मैनेज कर रहे हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी कि एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम जो सामान्यतः प्रदेश की राजधानियों में हुआ करता है वो देवास जैसे एक छोटे से जिले में हमको करने का अवसर मिला, और इसके लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन ने और युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार ने हमारा इसके लिए चयन किया, ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। जैसे ही हमको ये खबर मिली थी, हमको आदेश मिला था, हम लोगों ने इसके लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी थी और लगभग 14 राज्यों के 250 प्रतिभागियों को हमने इसके लिए आमंत्रित किया था, जो अलग अलग राज्यों के अलग अलग संस्कृतियों के युवा हैं, उनको हमने यहाँ आमंत्रित किया है और उनके मध्य में एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम को केंद्रित करते हुए, उस पर एकाग्र करते हुए इन युवाओं की क्या सोच है उसको आपस में साझा करना, फिर विद्वत जनों द्वारा उन युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करना, फिर अलग अलग संस्कृतियों का यहाँ प्रदर्शन करना, उनको एक दूसरे से परिचित कराना, उनसे एक दूसरे को उनका तादाद में स्थापित करवाना, ये सब इस शिविर का उद्देश्य है। न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, कुछ इसी भावना के साथ इन युवाओं ने अपने अपने संस्मरण एक दूसरे से बांटे। हार और जीत की चिंता किए बगैर अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते चले जाना और अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले रास्ते यदि सही हैं तो हम अपनी मंजिल को हर हाल में प्राप्त कर लेंगे और सारी दुनिया को बतलाएंगे कि 130 करोड़ लोगों का ये मुल्क स्वाभिमान के साथ पूरी दुनिया के सामने कैसे डंका बजाता है, अपनी लोक संस्कृति को लेकर, अपनी आध्यात्मिक संस्कृति को लेकर, अपनी भावनाओं को लेकर जो उनका दर्शन है वो यही कि एक भारत श्रेष्ठ भारत।